तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि अगर कोई आईपैड प्लेयर है और उसको मोबाइल थमा दिया जाए तो क्या वो अच्छा खेल लेगा उस पे, या फिर नहीं आईपैड प्लेयर सिर्फ आईपैड पे ही खेल सकते हैं और मोबाइल पे नहीं। इसका आंसर जानते हो मेरे पास पहले भी था, लेकिन करंटली हाल फिलहाल में जानते हो परफेक्ट एग्जाम्पल हूँ मैं, बिकॉज मैं तो अलग अलग डिवाइसेस पे गेम खेल रहा हूँ, आईपैड और मोबाइल पे भी। आईपैड ऑफ कोर्स एप्पल का है और मोबाइल एंड्रॉयड। अब भाई तुमको पता है इतनी दिक्कत हुई ना मेरे को, इतनी दिक्कत हुई भाई जब मैंने डाउनलोड करा ना मोबाइल में गेम, मैं खेलने गया भाई इतना मुश्किल हो रहा था बिकॉज सारी उंगलियां एकदम क्रैम्प हो गई थी, ऐसा लग रहा था मैं केकड़ा हो गया हूँ भाई, उंगलियां मोड़ के बटन दबाने पड़ रहे थे, जबकि आईपैड में बहुत बड़ा स्क्रीन रहता है तो मेरी उंगलियां स्ट्रेट रहती हैं, दुखती नहीं है। बट मोबाइल में भाई क्या मोड़ना पड़ता है स्क्रीन स्क्रीन नहीं सॉरी उंगलियां, जबकि स्क्रीन मोबाइल की अच्छी खासी बड़ी है। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात जानते हो क्या है, पहले दिन मतलब मुश्किल से 2-3 घंटा मैंने गेम में टाइम बिताया मोबाइल में, मेरे को बहुत दिक्कत हुई। लेकिन जैसे ही मैं अगले दिन आया ना भाई, छट से भाई जैसे मसल मेमोरी किक इन हो गई हो पुरानी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई मोबाइल पर, पता है बस सेंसी को छोड़ के, क्योंकि सेंसी आईपैड वाली थी तो मोबाइल पे वो ऑल ओवर द प्लेस थी भाई, मतलब इतनी हाई लग रही थी ना पूछो मत, हर चीज स्लिप हो रही थी। लेकिन जैसे ही सेंसी को काबू करा ना, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि एकदम आईपैड जैसा हाथ बैठ गया, लेकिन भाई काफी हद तक गेम काबू में आ गया मेरे। तो एक बात तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि अगर आप आईपैड प्लेयर हो और आप फोन पे स्विच होते हो तो आपको एकदम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन 1-2 दिन में आपका हाथ और आपकी आंखें बैठना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें बंदे स्पॉट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो हाथ और आंखें दोनों बैठ जाएंगी। थोड़ा सा ट्रेनिंग करोगे ना तो आईपैड का गेम प्ले वापस आ जाएगा, इनफैक्ट उससे बेटर गेम प्ले वापस आएगा। और बस यही चीज तुमको मैं बताना चाहता था, मैं जानता हूँ क्यों कह रहा हूँ कि बेटर गेम प्ले हो जाएगा, बिकॉज मोबाइल पे खेलने के बाद पता नहीं क्यों मेरा जो हेडशॉट एक्यूरेसी है ना भाई वो स्काई रॉकेट हो गया है। अब पता नहीं मेरे को ऐसा बस लग रहा है या ये वाकई में हुआ है, लेकिन फोन पे भाई एम असिस्ट क्या चिपकता है और हेड पे चिपकता है भाई, आईपैड में एम असिस्ट खींचता है बॉडी पे बॉडी लेवल पे, लेकिन मोबाइल पे भाई जो टिंग 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 हेड बज रहे हैं ना वो भाई तौबा। अब मैंने जानते कुछ गेम प्ले भी रिकॉर्ड करे थे, मैंने सोचा था कि तुमको दिखाऊंगा, बट भाई यार छी बस यहीं पर एंड्रॉयड हक देता है भाई, भाई इतनी खराब रिकॉर्डिंग हुई ना उस गेम प्ले की कि मैंने जब डालने की कोशिश करी तो मेरे को क्वालिटी अच्छी नहीं लगी तो मैंने उसको हटा दिया। लेकिन भाई क्या बताऊँ, मतलब ठीक है मैं उतना अच्छा नहीं खेल पाऊंगा जितना आईपैड पे खेल रहा था, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन वो जो फील होता है ना भाई एम असिस्ट का भाई वो कितना खतरनाक था। और दूसरा भाई जायरो, भाई मोबाइल में क्या चलता है जायरो, ओ हो, इतना मक्खन, क्योंकि छोटा सा डिवाइस है ना हाथ में आ जाता है कहीं पर भी मोड़ लो, आईपैड थोड़ा सा बड़ा पड़ता है तो जिटरी रहते हैं। अब देखो मैं ये बिल्कुल भी तुम ये मत सोचना कि मैं आईपैड को तो डिफेंड कर रहा हूँ, नहीं भाई आईपैड पे एडवांटेजेस होते हैं और उससे मैं मुंह नहीं मोड़ रहा, जो है वो है, लेकिन मैं बस तुमको फील बता रहा हूँ क्योंकि इधर मैंने थोड़ा ज़्यादा पबजी खेला, मैंने आई थिंक 2021-22 में वन प्लस पर भी खूब खेल रखा है, उससे पहले मैं पोको पे भी खेलता था, तो मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मोबाइल पे, एंड्रॉयड मोबाइल पे, आईओएस पे नहीं, मेरे पास एप्पल का भी नहीं रहा है, एप्पल का आईफोन आईपैड रहा है, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है एंड्रॉयड का है। लेकिन भाई दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फ़ोन पे चलती हैं, एक जायरो और एक गेम असिस्ट। वाह भाई मजा आ गई मेरे को खेल के, तुम लोग मेरे को बताना ये सिर्फ मेरा वहम है या फिर वाकई में ऐसा होता है, बिकॉज यार इतना बड़ा वहम तो नहीं हो सकता, वो भी 1-2 गेम के बाद तो समझ में आता है भाई हर गेम में ना 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 बहुत ज़्यादा ही हो रहा है ये, मे भी हो सकता है कि जायरो का कंट्रोल मोबाइल पे ज़्यादा है तो इस वजह से मेरा एम ज़्यादा अच्छा चिपक रहा हो, कुछ भी हो सकता है। वैसे अगर तुम्हारे पास आईपैड और मोबाइल है और दोनों पे तुमने पबजी खेल रखा है तो प्लीज़ मेरे को बताना है जो मैं सोच रहा हूँ कि सही है या फिर बस मैं वहम में हूँ, ठीक है। और हाँ अगर अभी बस आईफोन है तो भी बताना, बिकॉज आईफोन और एंड्रॉयड का भी मेरे को कंपेरिजन जानना है कि क्या वहाँ पर भी सेम हाल है या फिर उधर मामला अलग है। फिलहाल अब गेम प्ले पे वापस आए तो आज फिर तुम्हारा भाई तोड़ेगा, थोड़ी सी स्टार्टिंग में लंबी फाइट जाएंगी लेकिन एंड में मजा आने वाला है। तो हुआ क्या कि यहाँ पर मैंने 9 बंदे मार दिए थे और इधर स्मोक मॉली सब हो गया था, मैं नहीं कर रहा था लेकिन मॉली मैंने नहीं करा था, अब मॉली से मेरे को बहुत डैमेज पड़ा था तो मैं हील करने के लिए स्टेयर्स पे आया, मेरे को एक फुटस्टेप आया, मैं समझ गया दीवार पे एक बंदा टीपी भी ले रहा है, तो मैंने हेल्थ लगाई और फिर पुश करा,
बट वो दीवार पे नहीं था, वो पीछे जो बगल में एक रूम होता है ना, मेरे को लग रहा था वहाँ है, लेकिन एंड में मैंने डिसीजन पता नहीं क्यों चेंज करा और मैंने सीढ़ी पे नेट डाला, लेकिन पीछे से बंदा आया, और जानते हो बंदा रूम में ही था यार, पता नहीं मैं क्यों उधर कंफ्यूज था, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, उधर अपन ठोक दिए गए। और उसके बाद मैं उतरा वुल्फ विलेज में। अब जब मैं यहाँ आया तो पहले तो ऐसा लगा बंदे नहीं है, लेकिन मैं गलत था, यहाँ पर एक पूरी स्क्वाड थी। अब एक बंदा मेरे को दिख गया था और दूसरे की एंट्री अभी होने वाली थी, वो भी बॉलीवुड स्टाइल। तो भाई हीरो यहां पर आ चुका है अपने घोड़े पे बैठ के, लेकिन हीरो की हीरोइन को तो मैं ले गया। अब इस भाई को तो मैंने नॉक फिनिश कर दिया था, मुझे उम्मीद थी कि जो घोड़े पे बंदा आया था वो मेरे ऊपर फौरन रश करेगा, बट उसने कुछ ऐसा करा नहीं, मेरे को टाइम मिल गया, मैंने थोड़ा सा लूट लिया, बिकॉज मैं अभी भी रिकॉल हुआ था, लूट के नाम पे मेरे पास घंटा था, वो हिलाने वाला मैं बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से इसको लूटा, मेरे को भाई स्कारल मिल गई, लाइफ सेट है, M4 नहीं तो स्कारल ही सही। अब बारी थी पुश करने की। अबे साले तू TPP ले रहा है इधर, छी भाई। वेल इसको तो मैंने धर लिया था, लेकिन यहाँ पर अभी भी बंदे खत्म नहीं हुए। हुआ क्या कि मैं आगे जा रहा था, वो पेड़ जो है ना ब्लू वाला, उसे एक्टिवेट करने, तभी मेरे को ये दिखाई दिया। अरे भाई क्या चल क्या रहा है इधर, अरे नहीं पाप हो गया मुझसे भाई, ये उछल रहा था यार, शिट। वेल उसको मैंने छोड़ दिया था उधर, फिनिश नहीं करा था, बट कोई बचाने वाले से बचा नहीं था तो वो उधर ही खत्म हो गया। वेल मेरे को गाड़ी भी नहीं मिली थी, तो मैं यहाँ पर उड़ता उड़ता हुआ घूम रहा था गटका की तरफ, तभी मेरे को ये मिला। अब पहले मेरे को लगा था पूरी स्क्वाड है, लेकिन फिर गाड़ी में एक ही बंदा दिखा, तो मैंने फायर करके उसको ललचाया और भाई फंस भी गया मेरे जाल में। भाई फक, मेरे को लगा कि ये उछल रहा है, पता है, तो मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसे नॉक कर दिया। अब मैं अभी भी इससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं इसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मुझे पता नहीं चला कि ये क्यों उछल रहा था, शायद ये जंप शॉट लेना चाह रहा था। पहले जो भी हो मेरे को क्या, मैं उसके बाद पोचिंगटी के साइड से निकल रहा था, मतलब अगर तुम चर्च की तरफ से कट जाते हो तो तुम सीधा नीचे ये ट्रिपल स्टोरी पे जाओगे, तो मैं इधर की तरफ से जा रहा था स्कूल अपार्टमेंट, तो मेरे को एक बग्गी मिली। ऑफकोर्स तुमने देखा योगा बग्गी को, मैंने बहुत डैमेज दिया था, तो मैं जानता था ये रुकेंगे, और भाई ये रुके, ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी। अब मेरे पीछे वाटर टाउन में भी फायरिंग हो रही है, तो ये बात तुम नोटिस रखना, नोटिस में रखना। अब ट्रिपल स्टोरी में एक बंदा है और एक ये रहा, अब एक तो मैंने नॉक कर दिया है, ट्रिपल स्टोरी में एक है, उसे पुश करके अब ठोकना पड़ेगा। अब मुझे पता था कि स्टेयर्स पे टिपी भी लेगा, तो मैंने दोनों स्टेयर्स पे मॉले डाल के स्टेयर्स को क्लियर कर ली। अब मुझे पता था वो ऊपर कैंप कर रहा होगा, तो मैं घुस गया। ओ भाई ये यही बैठा था। अब देखो ये दोनों बंदे नॉक हुए थे और दोनों के पास सेल्फ रिवाइव नहीं था, तो मैं इतना तो जानता था कि इनकी स्क्वाड पूरी खत्म नहीं हुई, तो इस कंपाउंड में कोई तीसरा बंदा या चौथा बंदा निकला है तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हूंगा। बट अजीब बात ये थी कि इनको कोई बचाने नहीं आया, और जिस हिसाब से इनकी हरकतें थी इन्होंने थ्रो कर दिया था, ये बचने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, तो मैंने इससे अंदाजा लगा लिया कि अब यहाँ पर मेरे को कोई मिलने वाला तो नहीं है, चेक करने से कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, वाटर डाउन चलते हैं क्योंकि वहां पर फायरिंग हो रही थी, हो सकता है कि इनके बाकी दो बंदे उधर हो। लेकिन तभी मेरे ऊपर हल्का सा फायर आया और देख के ऐसा लग रहा था कि ये बुला रहा है मुझे। वेल ये भी उछला, बट इसने DVS चलाई, भाई हर कोई उछल क्यों रहा है भाई। उजी से मर गया रियली, अरे बड़ी वेल इसको ठोकते ही मेरे ऊपर फिर फायर आया। अब मैं इस बंदे को मार नहीं पाया, डैमेज बहुत दिया, लेकिन मैंने जानते एक चीज नोटिस करी, उसके पीछे पीला धुआं था, किसी ने फ्लेयर ड्रॉप मंगाया है वाटर टाउन में, तो अब तो जाना ही पड़ेगा बॉस इधर। भाई मुझे उम्मीद नहीं थी इस ग्रेनेड से कोई फूटेगा।
अब मेरे ऊपर कोई डीपी चला रहा था लेकिन उसको शायद प्रॉपर एंगल नहीं मिल रहा था और मुझे वो दिख भी नहीं रहा था, तो मैंने फटाफट से अपनी किल फिनिश करी। अब मैं सोच में पड़ गया कि डीपी चला कौन रहा था, फिर मेरे को टावर में बंदा दिखाई दिया। व्हाट द हेल भाई, वन शॉट M24, ये तो डीपी चला रहा था ना, डीपी के साथ M24 कौन चलाता है? वेल मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पता है किसने हक दिया। अब मैं समझा के थक चुका हूँ कि अगर तुमको लंबे डिस्टेंस कवर करने हो तो प्लीज वैम्पायर मत बना करो, वो स्लो एज हेल है, आराम से मरोगे। वुल्फ है तो चलता है लेकिन वैम्पायर नहीं ब्रो। वेल मेरे को M24 मिल गई थी और वॉटर में एक और बंदा था जो कि मेरे को बीटी दे रहा था, तो मैंने उसके एक हेडशॉट रख दिया। अब M24 उठाई है तो कुछ तो करूंगा ही ना यार। पता नहीं क्यों लोगों को M24 सप्रेसर के साथ अच्छी लगती है, मेरे को तो बहुत गंदी लगती है, और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, इनएक्यूरेट है। वेल उसके बाद मैं कोचिंग की आया और भाई यहाँ पर मैं क्या बताऊँ, इतनी गंदी ड्राइविंग कर रहा था मैं, नाले में गिरते गिरते बचा। लकीली लास्ट जोन था बट मेरे पास कोई था नहीं तो मैं बच गया, लेकिन ज़्यादा देर तक मैं बचूंगा नहीं क्योंकि सामने बंदा है। अरे मेरे घुड़सवार, ओ भाई तो गंदा था भाई, क्या ठोका है भाई इसको। पर इसका टीममेट पेड़ के पास है, भाई मेरा अंदाजा, ओ भाई मुझे पता था कि कोई ना कोई तो फायर करेगा विंडो से भाई। और ये अकेला पेड़ वाला, अच्छा ओ तो आई थिंक जब मैंने पहली बार नॉक करा था ना बनोज वाले को, तो ये मेरे से नहीं लड़ रहा था, ये पेड़ वाले से लड़ रहा था। वेल मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो किल्स लेने से मतलब है। अब देखो मुझे पता था मैं सीढ़ी से जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, तो मैंने स्मोक डाला, ग्रेनेड डाला पहले तो, ताकि विंडो पे कोई ना आ पाए। उसके बाद मैं चढ़ के यहाँ पर आ गया, अब मुझे अंदर घुसना था तो मैंने स्मोक डाला। अब स्मोक मैंने ऐसा करा था कि मेरा जंप कवर हो जाए बस। अब पता नहीं क्यों इनका एक बंदा नीचे कूदा, ये गलती थी क्योंकि मेरे को अब ईजी एक्सेस मिलेगा। ओ, मेरे को लगा था ये देख नहीं पाएगा, इसने देख लिया था। पर जो भी हो मेरा कुछ खास बिगाड़ नहीं पाया, मैंने इसे फिनिश कर दिया। अब एक बंदा बच रहा था इसका जो कि भागा था, तो मैं उसको पकड़ने के लिए नीचे आया। अब ये किसी से लड़ रहा था लेकिन मैं घुसा और भाई मुट्ठी मार दी, मुट्ठी से उसको फिनिश कर दिया। भाई ये जो हुआ है ना, जो नाम डुबोए है ना इन लोग ने, मैं क्या बताऊँ। फिलहाल मेरे 24 किल हो चुके हैं और अब मेरे को समझ में आया लड़ किससे रहा था, तो पहाड़ी में बंदे थे लेकिन मेरा इंटरेस्ट उनमें नहीं था क्योंकि मेरे सामने एक बंदा था जो कि तोप पे आके छुप गया था और मेरे को मिल गई थी डबल पिस्टल, तो अब मेरे को इसका शिकार पिस्टल से करना था। वैसे ये पिस्टल नहीं है, दिखने में तो पिस्टल जैसी नहीं है बट आती पिस्टल स्लॉट में ही। अब भाई मैं इधर बहुत देर बैठा रहा बट ये नहीं निकल रहा था, उसका रीज़न है ना भाई, मैंने फालतू के हीरो बाजी में हवाबाजी में फायर करके उसको इतना डरा दिया ना, वो जानता था कि अगर वो ओपन से आया तो वो मारा जाएगा। तो मैं कब तक बैठा रहता इसके इंतज़ार में, मैंने सोचा एक काम करता हूँ पोजिशन चेंज करता हूँ, और भाई इधर टट्टी छुटने वाली मेरी। ये किधर से पैदा हुआ, वांटेड भाई मैं बता रहा हूँ, अगर मैं पोटी रख के नहीं मतलब दबा के बैठा होता ना भाई, इधर छुट जाती पता है, बोले तो पेंट येल्लो हो जाती। फिलहाल गंदी बातें नहीं करते, अच्छी भाई गिनाती है। लेकिन तुम्हारे भाई के हो चुके थे 26 किल, बच रहे थे मात्र दो बंदे, तो चिकन डिनर तो मेरे को पॉसिबल लग रहा था यहाँ से, और इन दोनों को अगर मार दिया तो 28 किल भी हो जाएंगे। तभी मेरे को एक फुटस्टेप आया, अब मुझे पता था कि ऊपर पुश करेगा, तो मैं चुपचाप बैठा था इधर। अब पता नहीं क्यों इधर मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, ये बंदा काफ़ी स्मार्टली खेल रहा था, आमतौर पे बंदे पुश कर देते हैं, लेकिन ये जानता था कि मैं ऊपर हूँ तो मैं इसके लिए ख़तरा नहीं हूँ अनटिल लेस मैं इसके ऊपर पुश ना करूँ, तो चुपचाप नीचे कमरा पकड़ के बैठ गया। और ये चीज़ मेरे को बॉदर कर रही थी बिकॉज मुझे इसे निपटाना था, तो मेरा पेशेंस जो था ना भाई वो ख़त्म हो गया। अब तुम देख सकते हो कि मैं अभी तक पेशेंस रखे था, लेकिन यहां पर मैंने कहा चलो घुस के खत्म कर देते हैं, पर इसके पास एमके थी। अरे बेस भाई इतनी तेज मारा हो ना भाई, रिएक्शन का भी मौका नहीं मिला मेरे को।
भाई ये गेम कभी कभी वैलोरेंट बन जाती है यार।